नमस्कार, आज सरिता किचन में हम बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी पराठा बनाएंगे। ये पराठा बहुत टेस्टी होता है, तो इसके लिए हम पालक और एक कच्चा आलू लेंगे और थोड़ा सा पालक हम धो के मिक्सी के जार में ऐसे तोड़ लेंगे और एक आलू है उसे हम काट लेंगे। ये पराठा बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दो मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और एक लहसुन डालकर हम पीस लेंगे। और अब आटा लगाने के लिए हम एक कटोरी आटा लेंगे और दो चम्मच बेसन लेंगे। और ये जो मसाला हमने पीस के रखा है इसे हम आटे में डाल देंगे। और ये जो मसाला है इसमें हम पानी डाल के मसाला सब वो कर लेंगे। और जिस कटोरी से हमने आटा लिया था ना उसी कटोरी से हम एक कटोरी पानी लेंगे। और अभी इस आटे में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर और थोड़ा आमचूर पाउडर डालेंगे। और अजवाइन हाथ से थोड़ा क्रश करके डालेंगे। धनिया डालेंगे। अभी जो मसाले का पानी है ये डालेंगे आटे पहले मिक्स करके पूरा मसाला। अभी है पूरा पानी हम डाल देंगे इसमें और इसे धीरे धीरे करके हम इसे एक बैटर फॉर्म में लाएंगे। देखिए इस तरह से इसे हमें ऐसे ही थोड़ा सा वो करना है। थोड़ा सा पानी और लगेगा हमें। देखिए एक कटोरी पानी एक कटोरी आटा डाले हैं और इस तरह से बैटर हम बना के तैयार करेंगे। इस तरह से बैटर तैयार करेंगे हम। और एक पैन रखेंगे, पैन पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और दो चम्मच बैटर डालेंगे। बैटर डाल के अच्छे से हम तवे पे फैला लेंगे। फैला लेंगे और इसे हम कम आंच करके एक मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। देखिए हमारा ये पराठा ऊपर से ड्राई हो गया है। अब इसे हम पलटी करेंगे और ये पराठा इतना सॉफ्ट बनता है ना कि आप बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है। अभी देखिए पलट दिया है, थोड़ा सा तेल लगा के हम पराठे को ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा वो करेंगे। पलटी करके हल्का सा नाम मात्र तेल लगाएंगे तो भी इस पराठे में तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगा देंगे तो हम तो अच्छा मतलब लगता है। ये टिफ़िन हो या छोटी मोटी भूख के लिए हो, हमें ये पराठा बहुत मतलब पेट भी भरता है और टेस्ट भी आता है। देखिए इस तरह से हमें दबा दबा के पराठे को सेक लेना है। आपके बच्चे तो ये बहुत ही मन से खाएंगे, बहुत मतलब इतना टेस्टी होता है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए दूसरा भी पराठा मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल डाल दिया और दो चम्मच बैटर डाल के अच्छे से हमने इसे फैला लिया है। और एक चीला टाइप भी मतलब आप बोलोगे ना चीला टाइप, वैसे ही मतलब आप सोचोगे वैसे भी हो रहता है खाने में। मतलब आप नहीं बता सकोगे कि गेहूं के आटे का आपने ये पराठा खाया हुआ है, बहुत टेस्टी बनता है। देखिए इस तरह से हम दबा दबा के करेंगे और ये पराठा हमारा देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसे अचार सॉस या चटनी किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म बनाइए, गर्मा गर्म खाइए। बहुत टेस्टी बहुत ही हेल्दी पराठे की रेसिपी। थैंक यू।